तो बेटा एक क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इन विच एलिमेंट वाई फॉर्म्स सीसीपी लैटिस एंड एटम्स ऑफ एक्स ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉल्स। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन यहाँ कराने का जो पर्पज है वो ये है और रीजन है वो ये है कि ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 1 मार्क में पूछे जाते हैं, ठीक है, 1 नंबर में इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो ये मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का इंपोर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है और केमिस्ट्री में जैसा आप जानते हैं रिपीटेशन बहुत ज्यादा होता है, तो आने के चांसेस इस तरह के क्वेश्चंस के या इस क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। ठीक है बेटा, तो आप समझो क्वेश्चन में कहा गया कि जो एलिमेंट वाई है दैट फॉर्म्स सीसीपी लैटिस। अब सीसीपी लैटिस तो वाई एटम फॉर्म करता है, इसके बाद जो दूसरा एटम है एक्स वो क्या करता है, वो उस सीसीपी लैटिस में जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं उनके 2/3 को ऑक्यूपाई करता है। तो हम यहां पे कंसीडर करते हैं कि सपोज जो वाई एटम्स हैं, नंबर ऑफ वाई एटम्स विच आर यूज्ड टू फॉर्म सीसीपी लैटिस आर एन। ये हमने एन कंसीडर कर दिया कि जो वाई एटम्स हैं उनका नंबर एन है जो सीसीपी लैटिस फॉर्म करता है। अगर किसी लैटिस को फॉर्म करने में एन एटम्स यूज होते हैं तो वहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो फॉर्म होंगे वो वाई फॉर्म्स होंगे, सॉरी ट्वाइस एन फॉर्म्स होंगे। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स विल बी ट्वाइस एन, लेकिन जो एक्स एटम है वो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई नहीं करता, वो क्या करते हैं 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करते हैं। तो नंबर ऑफ एक्स एटम्स अगर हमें इस लैटिस में देखने हैं तो नंबर ऑफ एक्स एटम्स इक्वल्स कितना होगा 2/3 ऑफ ट्वाइस एन। ठीक है, बस यहां पे क्वेश्चन करने के बाद एक्स हमने निकाल लिया, वाई हमने निकाल लिया, अभी हमने यहां पे एक्स और वाई का रेशियो देखना है। तो x रेज टू y इक्वल्स x कितना है हमारा 2/3 ऑफ 2 बाई एन, 2/3 ऑफ 2 ट्वाइस एन, और y एटम्स कितने हैं, y एटम्स हमारे n होते हैं, n यहां पे लिखेंगे। ठीक है, तो x रेज टू y यहां पे आएगा 2 2 जा 4 बाई 3 रेज टू 1, ये n से n जो होगा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। सिंपलेस्ट रेशियो अगर हम x y का देखें तो ये हमारा आएगा 4:3। ठीक है, इस तरह से कर लेते हैं। तो हमें करना क्या है, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बताना है। तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड जो होगा हमारा फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी एक्स और वाई का रेशियो कितना 4:3, तो एक्स यहां पे हमारा 4 होगा और वाई हमारा यहां पे 3 होगा। इस तरह के सिंपल सिंपल इजी इजी क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, बस आपका फोकस वहां पे बना रहे। तो ये हमारा क्वेश्चन था।